नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास जायसवाल, आप देख रहे हैं कोमल विजन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उर्दू टाइपिंग के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर, जो कि इससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। आप लोग कुछ भी मैटर बनाते हो, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें अगर उर्दू यूज करना है तो आप इसका बहुत ही आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। मगर हाँ, आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको उर्दू आना चाहिए, क्योंकि जिनको उर्दू नहीं आता है उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मगर हाँ, जिनको आता है तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करके ट्राई कीजिए। अगर आसपास उर्दू जानने वाले हैं तो उन लोगों की हेल्प से आप सीखने की कोशिश कीजिए, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल इसका इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल इसका, आप कह सकते हैं जैसे आप कोरल ड्रा, पेज मेकर वगैरह यूज़ करते हैं उसी तरह से नॉर्मल सा इसका इंटरफेस है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैं इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूँगा और आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर फ्री दे रहा हूँ। क्रैक सॉफ्टवेयर है, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा जहाँ पर सेटअप का फाइल है, मैं शायद इसी फाइल में रखा था। हाँ, ये रहा इन पेज, मैं इसको रन एज एडमिनिस्टर करता हूँ। इसको मैं एस कर देता हूँ। दोस्तों, एक क्रैक है, हो सकता है आप लोगों में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकता है इसको इंस्टॉल करने में, मगर ये बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जा रही है। और आज लॉकडाउन है, फिर भी भीड़ भाड़ कुछ है, मैं अपने दुकान पे ही हूँ। चलिए इसको नेक्स्ट करते जाते हैं। आप इसको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, आप इसका आइकन अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे रखना चाहते हैं उसके लिए है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इस तरह से। मैं इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, बहुत ही ईजी है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप बहुत ही आसानी से यूज़ में ला सकते हैं। चलिए, मेरा ओपन हो रहा है। ये बहुत ही सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, अरेबिक हो गया, खुदरिस हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंधी, ये कौन है हाजरगी, पता नहीं उर्दू के कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, हमको अभी उतना आइडिया नहीं है। मगर हाँ, जिनको नॉलेज है उनके लिए बहुत ही बेहतर सॉफ्टवेयर होने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमें टाइप करने के लिए कहीं से कोई पेज वेज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ फाइल पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है, आप यहां से नया पेज ले सकते हैं। हम इसको ओके कर रहे हैं, आप यहां से पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, A4, A5, B4 इस तरह से जो भी आपका, और आप उसको यूज नहीं करना चाहते तो इसमें कस्टम का ऑप्शन है कि नहीं, हाँ कस्टम साइज का है, आप अपने मन चाहे साइज ले सकते हैं। मगर मैं इसको अभी A4 जैसे है वैसे ही रहने दे रहा हूँ। नीचे देख लीजिए, यहाँ पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, यहाँ पूछ रहा है पेजेस, आपको कितने पेज चाहिए, आप उतना ले सकते हैं, 4, 5, 10, 50, जो भी आपको जितना पेज की ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एक ही रहने देता हूँ। और इधर क्या है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हुआ आप किधर से टाइप करना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो इसमें राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक है, हमें ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि उर्दू अक्सर नहीं हमेशा, उर्दू हमेशा ही राइट टू लेफ़्ट टाइप होता है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं। हमारा ये देखिए कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमें टाइप करना है, यहाँ पे देख लीजिए, टाइप के लिए कुछ भी आप हम टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ KOMAL, ये हो गया कोमल। मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। अब मगर मुझे पता नहीं है सही है या गलत है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, हमको उर्दू आता नहीं है। बस आप लोगों की हेल्प के लिए, जिनको उर्दू के नॉलेज है, उर्दू की जानकारी है, वे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, टोंगल लैंग्वेज, इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा अभी, मैं अभी खुद पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। एक टाइम मैं इसका यूज किया था, मगर वो दूसरे के हेल्प, हमारे पड़ोसी हैं खान साहब, वो कुछ बता रहे थे तो उनके हिसाब से मैंने टाइप किया, तो अब पता नहीं सही हो या गलत हो, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, मगर वो बताए थे सही ही था। मगर जिनको नॉलेज है वो कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करें। और हाँ, आप लोग सजेस्ट किया कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले, जिस तरह से आप लोगों ने आज देखा इन पेज का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।